वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट इन स्टॉल। यहाँ पर आज मैं एक ऐसी लेजेंडरी गाड़ी के बारे में बात करना चाहूँगा जो अपने समय की सबसे बेहतरीन गाड़ी रही, मेरी भी बहुत हद तक चॉइस रही। इवन जब मैं बिल्लो लेने वाला था उससे पहले मैंने सोचा भी था उसे लेने के बारे में, बहुत सारी गाड़ी ट्राई करी थी, देखी थी। सो मेरा मन था कि मैं अपने एक्सपीरियंस से अपने थॉट शेयर करूं आप लोगों के साथ, क्या मैं सोचता उस गाड़ी के बारे में। इधर मेरे साथ में है रक्षित भाई कैमरे में, तो भाई आए तो दरअसल रक्षित भाई आए हैं पीतमपुरा से यहाँ पर हमारे पास अपनी गाड़ी रिप्रेजेंट करने। मैं तो आप सभी लोगों को ऑफर करना चाहूंगा, एनी वन ऑफ यू इवन इंटरेस्टेड, आपने अपनी गाड़ी में कुछ भी कर रखा हो, दिखाना चाहते हो, शोकेस करना चाहते हो, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नहीं होता आपने गाड़ी में कितना मॉडिफाई कर रखा है, इम्पोर्टेंट ये है आपने उस गाड़ी के साथ कैसे एक्सपीरियंस बताया, क्या क्या रहा आपके साथ, अप डाउन रहे उस गाड़ी के। मैं इस पूरी जो सीरीज रहेगी या जो हम पहले भी चलाते थे, लाइक हमारी जितनी भी फीचर की सीरीज है, उसमें यही शेयर करना चाहता था कैसे एक्सपीरियंसेस रहे। जैसे कि रिसेंटली हमने एक नेक्सॉन की वीडियो में भी आपको बताया था उनकी स्टोरी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को, वो स्टोरी भी पसंद आई। इधर की तरफ भाई शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस, जब भाई 9 साल के थे तब भाई के घर में गाड़ी आई थी और उसके बाद आज की डेट है यानी पिछले 11 साल से वो इसके रिस्पेक्टेड ओनर है। भाई से सुनते हैं इसके बारे में, एंड में मैं भी बताऊंगा मेरे थॉट क्या है इस गाड़ी को लेकर। ये कार मेरी बचपन की कार है, जब मैं छोटा था मैंने तब से इसको देखा है, एंड तब ये बिल्कुल सिंपल हुआ करती थी। मैंने जब मैंने इस पे सीखा, मैंने ड्राइव करना सीखा, तो यू नो ऑब्वियसली आज से पहले जब तक इस गाड़ी को मेरे को ड्राइव करते हुए आजकल सिर्फ 1 साल हुआ है, एंड इस गाड़ी के बाकी 10 साल आज तक मेरी मॉम ने चलाई है। इस गाड़ी की जो भी हालत थी मैंने उसको पूरा 1.5 साल के अंदर पूरा का पूरा रिफॉर्म कर दिया। ये 2009 मॉडल ऑल्टो है, मारुति ऑल्टो, जो कि मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज इसके अंदर जो कुछ भी है, मैंने जो कुछ भी गाड़ी के बारे में देखा, जाना यूट्यूब पे भैया के वीडियोस देखे, जो कुछ भी किया, सारी मॉडिफिकेशन वगैरह मैंने इसी के ऊपर करी है। पेट्रोल पे हुआ करती थी, इसकी एवरेज भी अराउंड 14-15 तक हुआ करती थी। जस्ट मैंने इसके ऊपर CNG लगाई एंड इसने 20 के आसपास एवरेज देना स्टार्ट किया। इसके अंदर मैंने म्यूजिक अपग्रेड्स करे, जब भी मतलब मैंने जितने भी वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, मेरे को लगता था कि एक कार के अंदर मॉडिफिकेशन किस तरह से करी जा सकती है, बेसिक कार है, इसके अंदर सारी मॉडिफिकेशन मैंने करी है, सब कुछ ट्राई किया। स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट से गाड़ी के बारे में बताने का, और इवन आपको भी मैं कहना चाहूंगा मोस्ट वेलकम है। इवन अगर आपकी कोई बहुत दिल के करीब गाड़ी है जो आप सोर्ट आउट कर रहे हो, करने वाले हो या फिर निकाल रहे हो, आप मेरे से चाहते हो मैं उसे कोई ट्रिब्यूट दूं या फिर मैं उसकी कोई लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करूं जो आप अपने खाली वक्त में देखो और याद करो अपनी गाड़ी को आगे आने वाले समय में, या फिर कह सकते हो रिस्पेक्ट हो सकती है आपकी गाड़ी के लिए, अगर आप चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर लेना, जैसे कि भाई भी आए थे मुझसे जुड़कर, और नंबर मैं सबको नहीं बांटता, वो तब देता हूं जब मुझे लगता है कि हां भाई देना चाहिए, या फिर बंदे स्टोरी गाड़ी किसी में भी दम है। तो इसलिए कहना चाहूंगा पहले इंस्टाग्राम पे टच में आना, बताना, डिस्कशन करना, उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं, वीडियो कॉल नहीं उठा पाता उसके लिए सॉरी, चाहते हो इंस्टाग्राम पे DM करना, आ जाओ। सो दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ आवर कार। ये बेसिकली इतनी कोई फैंसी लुक्स नहीं थी, ना इसमें कोई मेजर क्रोम्स वगैरह आते थे, बट टू एनहांस द फ्रंट लुक वी हैव इंस्टॉल्ड LED प्रोजेक्टर्स, इसके अंदर DRL है, सो इसके अंदर ये जलते हैं एंड एक डेडिकेटेड स्विच है जो कि इसके फॉग लैंप्स को ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। राइट प्रोफाइल है ये मेरी कार की, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग में डोर वाइजर्स लगाए, दीज इंटरनली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर्स, जो कि सिर्फ मैनुअल एक ही साइड का आया करता था, इसके अंदर पतला सा छोटा सा, जो कि हमने चेंज करके इसको इंटरनली एडजस्टेबल किया। देन कमिंग टू द इनसाइड ऑफ आवर कार, वी हैव इंस्टॉल्ड दीज पावर विंडोज, जो कि फ्रंट में मैनुअल आया करती थी सिर्फ, वो हमने इसके अंदर पावर विंडोज लगाई। RD कंपनी की ये पावर विंडो है, जिसके अंदर रिले है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल लॉकिंग ऑफ माय कार। आफ्टर दीज पावर विंडोज वी हैव आल्सो इंस्टॉल्ड अ लाइटर, इसके अंदर ये लाइटर का पोर्ट भी नहीं आता था जो कि हमने बाद में इंस्टॉल किया था। द मेन माउथ ऑफ आवर कार एंड्रॉइड सिस्टम 5500 का मैंने लिया था, 5500 का, ठीक है। इसकी दोस्तों रैम है 2GB और 16GB, तो सही चलता है, कोई प्रॉब्लम, कोई लैग, कोई लैग कुछ? YouTube आप प्ले कर रहे थे जब मैंने देखा था आए थे, तो कोई YouTube चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो? सब कुछ सही चलता है, गाने लैग करता है, मोबाइल डेटा या हॉटस्पॉट में, इसमें GPS लगा हुआ है? GPS का इंस्टॉल करवा यहाँ पे मॉड्यूल इसके अंदर, ठीक है, छोटी सी आती है वो। इसी के साथ ही ये लगा रखे हैं यहाँ पे ट्विटर, JBL का सिस्टम, 3 इंच के वो है स्पीकर, 1 JBL का ट्विटर है यहाँ पे, 2 JBL के यहाँ पे स्पीकर है और ऊपर की तरफ ट्विटर लगा रखे भाई ने दरअसल। साथ ही में हाँ, ये तो जो हमारा LX वेरियंट था उसके अंदर तो नहीं आता था ये, इसमें जैसे की पावर विंडो भी नहीं आता था, लेकिन हाँ अच्छी बात है, जहाँ तक मेरा मानना है की 80 और 100 पे तो आराम से पावर स्टेयरिंग बनी जाती है ना ये, क्योंकि इसमें पावर स्टेयरिंग आता नहीं था, 80-100 चलाओ बन जाती है, तो अपने आप ही बन जाती
जाती है राइट। कभी फील नहीं होता जब तक, मतलब गाड़ी जब स्टिल होती है रोड के ऊपर तब इसको टर्न करने में थोड़ा मुश्किल होता है, वैसे कभी भी फील नहीं होता कि पावर स्टीयरिंग नहीं है। बाय द वे बात करते हैं गाड़ी के टायर्स के बारे में, क्योंकि भाई ने इसमें अलॉय अपग्रेड भी करा रखे थे, जानते क्या कितने के थे। और एक चीज और, जहाँ से मैंने लगवाए भाई ने भी वहीं से लगवाए थे। आ जाओ दोस्तों बात करते हैं अलॉय व्हील की। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इसका लुक देख लो। कोई इंसान अगर कहता हो ना कि इस सेगमेंट की गाड़ी बना नहीं सकता कोई, तो मैं कहता हूँ अगर ये गाड़ी मैं रखूँ तो मैं इसे ऐसी बना देता ना जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मेरा प्लान था इसे लेने का। अलॉयज की बात करते हैं भाई, आपने कितने के डलवाए थे ये वाले अलॉय व्हील? अलॉय व्हील पहले तो इसमें बताना चाहूंगा 12 इंचेस के अंदर स्टील रिम्स आते थे, जिसमें मेरे को मिले थे MRF TVS के टायर्स जो मिलते थे इसमें नॉर्मली। फिर मैंने अपग्रेड किया इसको जब मैंने ड्राइविंग करनी सीखी, सब कुछ मैंने इसमें एक्सपीरियंस किया आप लोगों के वीडियोस में, तो मैंने इसमें अलॉयज लगाए जो कि मैंने मायापुरी से लगवाए थे, विच कॉस्टेड मी अराउंड 6,000 रुपीज। आप मायापुरी रिकमेंड करते हो लोगों को? अगर आपको एक्सपीरियंस है कि मतलब आप देख सकते हो कि एक्चुअल में कौन सा टायर कैसा है और आपको पता है कि इसके अंदर क्रैक वगैरह है यानी, आप कैसे इसको जज कर सकते हो, अगर उसका भी मैंने वीडियो आप मतलब काफी लोगों ने डाला है आज तक यूट्यूब पे जो हमने लगवाए, आपको वो अलॉय व्हील ठीक लगे देखकर? आपके वाले तो बढ़िया थे। तो बाय द वे दोस्तों ये चीज सच्चाई है जो भाई ने बोला, अगर एक्सपीरियंस है, जानते हो गुद्दी कटे टायर है या नहीं है, गाड़ी के टायरों की एज देख सकते हो, ये देख सकते हो रिपेयर है या नहीं है, तो मायापुरी से बढ़िया जगह कोई नहीं है। और रेट अच्छा मिलता है, और बेसिकली वो कोयले की खान है जहाँ पे हीरा छानने वाला होना चाहिए बस। जब मैंने फिर अलॉयज लगाया, एक दो टायर अच्छे थे बाकी दो खराब थे, आगे के मैंने सही ले लिए पीछे। 6,000 रुपए में स्टील रिम देकर और क्या लोगे बताओ, आपको 1 इंच अपग्रेड भी मिल गया साथ में अलॉय व्हील जो था ये डिजाइन। कब लगवाया था आपने? मेरे को अराउंड साल होने वाला, साल एक साल पहले। ये डिजाइन काफी अच्छा है और इवन गाड़ी की जो लुक है उसके ऊपर जच भी रहा, एलिगेंट लग रहा है। तो क्या चाहिए और बताओ, 6,000 रुपए में बंदे को टायर अपग्रेड करके मिल गया। फिर इसमें आपने जो टायर अपग्रेड कराया तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ी आपको पर टायर की? 2700 रुपीज। 2700 का एक टायर यानी, ठीक है 2700 का एक टायर अपोलो का जो आपने डलवाया, 1, 2, 3, 4 और 4G लाइफ टायर्स हैं इसके अंदर। आपको 2 ईयर्स तक की गारंटी भी मिलती है कि अगर कटते फटते तो रिप्लेस हो जाता है, मैंने जैसे पीछे का एक रिप्लेस भी कराया है। ऐसा तो नहीं है कोई उन्होंने बेईमानी करी हो, मना कर दिया हो, कोई पैसे लिया टायर बाद में लिया? मैंने अराउंड सेक्टर 3 रोहिणी में एक शॉप है, वहाँ से मैंने अपोलो का ही वो सेंटर था वहाँ से लिया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं गाड़ी में लगी हुई है CNG। तो पहले फ्रंट खोल के दिखा देते हैं फ्रंट बोनट इसका। अब जैसा कि दोस्तों ये CNG किट जस्ट रिसेंटली भाई ने लगवाई है, जहाँ तक मेरा मानना है अक्टूबर लास्ट ईयर में भाई ने लगवाई है दरअसल CNG किट। तो वैसे तो CNG किट एकदम नई लग रही है, वॉल्व वगैरह भी सब कुछ नए हैं, भाई के पास कंपाइलेंस प्लेट है। अच्छी बात ये है कि भाई आप अब भी हमारी तरह 300-350 में पूरे मजे लेते हो? पूरे या कोई कम पड़ती पड़ जाती हो? मतलब मेरे को 125 से नीचे किलोमीटर का भी है फुल सिलेंडर में गई, 125 किलोमीटर से नीचे एक बारी में चला देते हो 125 किलोमीटर के आसपास। हमारी भी इतनी ही है, 100 के आसपास तो चल जाती है, 100 के आसपास तो चलती है ना भाई। अभी भी इसमें 108 किलोमीटर चली हुई है। ठीक है, 800 CC का इंजन है, सबसे बड़ा रीजन यही है, ये 800 CC का इंजन। ठीक है, Z900 या Z800 चला रहे हो आप, ये लगा लो CNG पे। Z800 है Kawasaki की, अच्छी बात है। मुझे देखकर ये लगता है इस गाड़ी को जितना इसका स्पेस है ना, हर के कॉर्नर को यूटिलाइज कर रखा है, जितनी छोटी है उतनी कॉम्पैक्ट है। और अच्छी बात है अगर इसे मॉडिफाई करे कोई इंसान, इसकी हेडलाइटों को, प्रोजेक्टरों को, एक एक चीज को बहुत बेहतरीन बनती है भाई, राइट। इंजन की जो अभी भी नॉइस है या कंडीशन है वो कह सकते हो काफी अच्छी है, साइलेंट इंजन है, चर बेल्टे आती रहती, आवाजें आती रहती है खटर पटर, तो वो नहीं है इसके अंदर। अच्छी बात तो ये है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है इट वॉज लाइक रिकमेंड करना ही चाहिए किसी ना किसी बंदे, क्योंकि बिकॉज ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर इजीली ड्राइविंग भी सीख सकते हो, किसी भी रोड से कैसे भी निकल जाती है। और अच्छी बात ये है कि पहाड़ों पे सबसे ज्यादा चलती है, आपको मालूम है ये। मेरे को इससे पहले पसंद थी जैन बंद हो गई, उससे पहले पसंद थी 800 भी बंद हो गई, लेकिन मेरी जो लास्ट चॉइस बची वो ये थी। इसके बाद मेरे को कोई गाड़ी नहीं थी इस सेगमेंट की जो पसंद आई है, आई भी है और कुछ कंपनीज की, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगी, बेकार 80 की रफ्तार पे ही घड़ 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 करती है वो गाड़ियाँ। मैं इसका 3 सिलेंडर इंजन भी ऐसा इंजन है जो कि मतलब आपको काफी कन्वीनियंटली प्रॉब्लम नहीं देता, एवरेज वगैरह सब कुछ देता है। सबसे बड़ी बात है इंजन नॉइज और वाइब्रेशंस में, बाकी जो 3 सिलेंडर इंजन उस टाइम पे आते थे उनसे बेटर है। मेंटेनेंस की कॉस्ट की बात करूँ तो 2,000 रुपए भी नहीं है इसकी सर्विस की कॉस्ट, जहाँ तक मेरा मानना है। आज तक कभी 2500 से ऊपर लगी नहीं, 2500 से ऊपर आपने लगाई नहीं। दिखा तो बैक में भाई ने क्या लगा रखा है, फ्रंट की तरफ तो यही है भाई ने, देख सकते हो आप लुक वगैरह सारी गाड़ी की। ये शीशा वीशा कैसे काला करके भेज रहे हो? मैंने पहले इसके चारों शीशे काले करवा रखे थे। अच्छा, ये चलान कट गया। कितने का? 300 का चलान कटा था। बढ़िया कटा, ऐसे कटना चाहिए। तो पीछे का रहने दिया। यहाँ लगा के भाई ने स्पीकर पायनियर के, ये भाई पायनियर के
कौन ओरिजिनल है? बिल्कुल ओरिजिनल। आप भी पायनियर फैन बॉय हो मेरी तरह? नहीं मतलब उस टाइम पे जब मैंने नए नए लगवाने शुरू करा था सिस्केंडर सिस्टम, तो सबसे पहले मैंने ये स्पीकर लगाए थे। अच्छा, तो ये कितने के लगवाए थे आपने? और ये 2500 के लगवाए थे। और इसकी पावर आउटपुट की बात करूं, मैक्सिमम पीक कितनी है इसकी? मैंने ऐसे कभी कैलकुलेट नहीं किया, बट मुझे इसको लगाने का कभी सबवूफर की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि रूमी सा बन जाता है ना कैबिन। हाँ, ये तो सच्चाई है कि आप जब भी लगा लेते हो अपने ओवल स्पीकरों को, मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा भाई। चाहे एक अच्छी बात यह है, यहाँ स्टेपनी भी अगर आप लगा लेते हो और स्पीकर लगा देते हो तो यहाँ पे आप बेस ट्यूब लगा सकते हो स्टिल, ऐसा ही है। तो आप अगर भम 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 पसंद करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल सुनना हो तो आप स्पीकर भी लगाओ, आगे की तरफ ट्विटर लगाओ। तो सीट कवर की भी बात करूं, भाई ने नॉर्मल कपड़े वाले सीट कवर लगाए। इस गाड़ी की जो लुक है उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा डिसेंट है, अच्छे लग रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? गर्मी में पसीने वसीने आते हैं ऐसे सीट कवर से? ताकि गर्मी लगे ही ना, क्योंकि जो हमारे बेसिकली जो बकेट फिट वाले होते हैं उनमें पसीना। हाँ मतलब जो लेदर राइड रहते हैं या रेक्सिन वाले रहते हैं कैच कर लेते हैं तो फिर हमारी बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये वाले जो है इनके अंदर आपको गर्मी नहीं लगेगी, अच्छी बात ये है क्योंकि ये फैब्रिक है। साथ ही दोस्तों एक चीज और लगा रखी है भाई ने, दरअसल सीट के नीचे लगा हुआ वो एम्पलीफायर, अगर आप जस्टिस कर पा रहे हो देख सकते हो। तो कौन सा एम्प है, कितने का लगाया था? एम्प है जो कि मैंने 4500 का लगवाया था, 4500 का। इससे आप क्या प्ले कर रहे हो, आगे के फ्रंट के दो स्पीकर और रियर के दो ओवल? नॉर्मली आपको समझना है कि आपकी गाड़ी को कौन से चैनल पे क्या चलाना है। एक चैनल पे एक स्पीकर चला लो, जैसे कि दो पीछे लगे हुए हैं दो आगे लगे हुए हैं, एक चैनल दो चैनल तीन चैनल चार चैनल, चार चैनल का एम्प ले लो और लगा दो छुट्टी। इसी के साथ ही दोस्तों मैं चाहूंगा आप एंजॉय करो म्यूजिक सिस्टम जो गाड़ी में लगा हुआ है। जो इंसान चला रहा है या खुद सुन रहा है उसके लिए तो बहुत परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाने सुनते आ जाओ। यहाँ लगा रखे भाई ने आई पॉप, दरअसल इधर की साइड शीशा भी अपग्रेड कर रखा है, उधर की साइड सिर्फ एक शीशा आता था छोटा सा पतला सा, उसमें भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने किसी बड़ी आंख का चश्मा लगा लिया हो, और आपकी आंख ना टेढ़ी मेढ़ी होती है रियर देखने में। लेकिन जब ये वाले शीशे को हम अपग्रेड करा लेते हैं ना इस मॉडल में, इस वेरिएंट में, तो बहुत डिसेंट लुक आती है इस गाड़ी की, बहुत लुक इन्हांस कर देते हैं ये वाले शीशे। इधर बात करते हैं चाबी की, तो भाई ने लगा रखी है यहाँ पे फ्लिप की, एक बार खोल के दिखा दो ना रामपुरी चाकू को, ये फ्लिप की लगा रखी है दरअसल भाई ने। कोई प्रॉब्लम आई इसे लगाने के बाद? पहले भी एक ऐसी लगी हुई थी, अब मैंने दोबारा से इसको बनवाया बिकॉज उसके अंदर मतलब एक डेढ़ साल बाद वो थोड़ी खराब होने लगी थी, थोड़ा सा इसके अंदर से थोड़ा प्रॉब्लम आती थी बाहर आने में, अब ये बढ़िया चल रही है। तो अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, बढ़िया है। और हाँ ये बटन इसके ठीक है, रिस्पॉन्सिव है, अच्छी बात ही रहती है। थोड़े टाइट बटन का फायदा ये है कि जेब में दबती नहीं है, पता चल रहा है आप जा रहे हो और बटन दब गए, क्योंकि जिस टाइप की मैंने ले रखी है वो बड़े इजीली बटन दब जाते हैं तो ज़्यादा केयर करना पड़ता है। लेकिन मुझे सॉफ्ट बटन पसंद है, भाई की पसंद थोड़े हार्ड बटन की थी तो वही है, बाकी तीनों बटन सेम है, इधर आप देख सकते हो। करते हैं इस गाड़ी के सिनेमैटिक एंजॉय, आइए। इसी के साथ ही दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी होगी, कुछ एक्सपीरियंस भाई ने शेयर किया अपना। मेरा तो ये गाड़ी दिल के बहुत करीब रही है, आज नहीं आज से पहले भी, क्योंकि हमारे पास फैमिली में आज से काफ़ी पहले जब हम यूट्यूबिंग नहीं करते थे तब भी ये गाड़ी थी। अगर आप लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, या फिर अगर आप बनाना चाहते हो तो एक नंबर गाड़ी है बनाने के लिए भी। इसी के साथ ही अगर आप चाहते हो अपनी गाड़ी, अपनी स्टोरी शेयर करना या ट्रिब्यूट देना अपनी गाड़ी को, मेरे से जुड़ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहीं मिलूंगा मैं आपको रिप्लाई करता हुआ। हाँ थोड़ा सा टाइम लूंगा लेकिन कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है भाई, कर देता हूँ, ऐसी बात तो नहीं है, रिप्लाई कर देता हूँ ना। करते रहते हैं तो बाय द वे ऐसे ही होते हैं आप मेरे भाई, सभी हो एक जैसे।
मैं किसी और के लिए अलग नहीं हूँ। जुड़ना चाहते हो, फीचर कराना चाहते हो, आना चाहते हो, ट्रिब्यूट दिखाना चाहते हो, डीएम करो इंस्टाग्राम पे। इसी के साथ ही दोस्तों करते हैं इस वीडियो को यहीं कहीं एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय करता सबको, बाय बाय। 2500 वॉट्स पाइनियर के, 2500 वॉट के, 2500 वॉट, 250 वॉट, सॉरी 250 वॉट के। मैं 1400 वॉट की तो बेच, मैं यूं कह रहा अरे भाई कितनी आ रहा है, मैं सो की मैं तो स्विफ्ट के लिए लेने पड़ेंगे इधर के।